शोरगुल ना होने पाए। और सुनो, फौजदार हाथी सिंह को आगाह कर दो, इस वक्त हवेली के आसपास गाना बजाना ना हो तो बेहतर, हम मुकम्मल खामोशी चाहते हैं। लगता करे जवाब में तो कर जवाब। वाह उस्ताद, वाह उस्ताद।
क्या जान लेवा था न है वाह जियो ओदे ना दर्द दाने दे इंसानो ओदे ना दर्द दाने दे इंसानो ओदे ना दर्द दाने दे इंसानो मालूम होता है कि बादल गरज रहे हैं हमारे तान सैन तो आप हैं जिनकी खांसी में भी आलाम गाना है तो और कहीं जाकर गाओ, यहाँ शोरगुल करना मना है। हाँ यहाँ तो सांस लेना भी मना है। जबान संभाल कर बात करो, चाहे मौसिकी मियां तानसेन नए राग तैयार कर रहे हैं, उनके काम में खलल मत डालो। अरे हमें सब मालूम है हाथी थी, टोड़ी को जरा टेढ़ा किया तो मिया की टोड़ी बन गई, मलार को जरा बरेड़ा तो मिया की मलार बन गई, और अब कानड़ा का कान उबेट कर सरवारी कानड़ा बना रहे हैं। अगर ज्यादा गड़बड़ की तो इस मोहल्ले में हमेशा के लिए गाने की मुमानियत हो जाएगी। लो तुम्हारे बाबा आ गए, जाओ उन्हें रोको। सारे जाओगे रुकिए साधु महाराज, यहाँ गाना मना है। ये गाना नहीं भजन है भाई। कुछ भी हो, मियां तानसेन ने राग तैयार कर रहे हैं, इसलिए इस मोहल्ले में गाना बजाना मना है उनके हुक्म से। संगीत तो सारे संसार की धरोहर है भाई, इस पर कहीं कोई पाबंदी नहीं हो सकती। इस बात को
कभी मत भूलना। अगर कभी जमाना साथ दे तो तानसेन से अपने बाप के खून का बदला बदला जरूर लेना। वचन दे, वचन दे बेटा। लड़का तलवार लेकर भागा। छीन लो तलवार, चोर कहीं का। जाने दो भाई। क्यों मारते हो इस लड़के को? चोर है ये लड़का, तलवार चुरा कर भागा। मैं चोर नहीं हूँ, एक महाज्ञानी संगीतकार का बेटा हूँ, समझे? चोरी करने के सिवा और भी कुछ सीखा है तुमने? सीखा क्यों नहीं, कैसे वंशी भैरवी भैरव रामकली गुणकली पिल्लू टोड़ी मान सभी कुछ तो सीखा है मैंने। वाह 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 वाह, मगर तलवार उठाकर क्यों भागे थे बेटा? मुझे किसी से बदला लेना है अपने पिता के खून का। ये सब बुरी बातें हैं बेटा, किससे बदला लेना चाहते हो अपने पिताजी के खून का? वो सल्तनत ने बहुत बड़ा बड़ा बहुत खतरनाक है ये लड़का, इसे गिरफ्तार करना चाहिए। नादान बच्चा है, गुस्से में दुख में टेढ़े रास्ते जा रहा था, मैं इसे सीधी राह पे ले आऊंगा। चलो बेटा। अपना गांव जमुना के उस पार, तो अच्छा सदा हुआ पाया है, बोलते हुए सुरों का जवाब फौरन मिल गया। कहां से सीखा है संगीत बेटा? हम लोग गुजरात में चापानेर गांव में रहते थे, मेरे पिताजी हरि कथा करते थे और संगीत भी अच्छा जानते थे। वो मेरे संगीत की तालीम पूरी कराने के लिए मुझे वृंदावन ले जा रहे हरिदास स्वामी के पास। मगर हरिदास स्वामी तानसेन के गुरु? तानसेन? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा।
वो आ गई गौरी। महाराज आप तो मुझे अपना संगीत हमेशा बीना पर सुनाया करते थे, आज ये तुरई कहाँ से उठा लाए? तुरई? ये अभी किसे पुकार रहे थे? तूने इसकी पुकार का जवाब दिया, इसने तेरी पुकार का जवाब दिया। तेरी आवाज सुनकर ये अपने पिता के शोक के आंसू भी भूल गया। आइए चलो बेटा। हम तो इनके दिल से पिता का शोक भी भुला देंगे अपने गांव में। क्या नाम है इनका? बैजना। हम तो बैजू कहेंगे, बड़े बड़े नाम वालों से गांव वालों का कुछ भला नहीं। बैजू से क्या भला होगा? बैजू बैजू मेरे साथ नाव खेने में मदद करेगा, और बैजनाथ जी वो तो इतना भी नहीं सोचेंगे कि गौरी नाव खेते खेते थक गई होगी। अब गौरी की नाव पार लग जाएगी। संभल के बेटे संभल के। बालाजी पंडित जी आगरे से लौटा है और अपने साथ तान सेन को भी ले आए। नहीं नहीं सागर की सतह पर तैरने वाले बहुत हैं, डूबने वाले कम। मोहन देख लेना, मियां तानसेन की तरह ये लड़का भी संगीत में एक दिन बहुत मशहूर हो जाएगा। नहीं, तानसेन की तरह नहीं। अजी हम तो तानसेन को भी भुला देंगे। पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार। प्यार चल के हो प्यार चल के ओ डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा हो जी हो। डोले मन मोरा सजना चुनरिया बार बार ढल के। झूले में पवन के आई बहार, प्यार चल के हो प्यार चल के। ओ मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी। मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी। तू है जीवन सिंगार, प्यार चल के झूले में पवन के आई बाहर, प्यार चल के हो प्यार चल के। ओ बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए। कोयल कूकती जाए वन में
पे गाए कोयल कूकती जाए बन में मोर भी गाए छेड़े हम तुम मल्हार प्यार चल के छेड़े हम तुम मल्हार झूले में पवन के आई बहार नैनों में नया रंग लाई बहार प्यार चल के हो प्यार चल के हो प्यार चल के हो प्यार चल के गौरी यमुना के किनारे इस टीले पर हमारे बचपन ने हजारों घरों दे बनाए और तू आज जवानी यहाँ आशाओं के दीप जला रही है। इन दीपकों को कभी न बुझने देना बैजू। लीजिए आपके घर में अंधेरा हो गया, सगाई इधर हुई और ब्याह उधर हो रहा है। उधर अबे हो कैसे रहा है? खानदान की इज्जत का सवाल है, कोई मजाक थोड़ी ही है, इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। कैसा इंतजाम? बोल बे गंजू, अब बोल। मैं क्या बोलूं सरकार, अब बोलने वाले तो पहले ही बोल गए। तंबूरे और डंडे में फर्क जानते हो? मैं बताऊं सरकार, एक के तार तार बजते हैं, दूसरा सर पर तार तार बजता है। नरपत, तंबूरे के तार दिल को जीत लेते हैं और डंडे से ना तुम बैजू को हरा सकते हो ना गौरी को जीत सकते हो। जाने भी दो गौरी, इस छोरी को तो देखो घोड़ी जितनी बड़ी हो गई मगर लाज शर्म जरा नहीं आई। दिन भर ये छोरे के साथ में डगा डगा डोला ही करे। और ये भी शर्म देखो ना जाना कहाँ से आया इस गांव, जात पात का पता ना माँ बाप का ठिकाना। कब होगा ब्याह तेरा गौरी से? बस यही अगले बैसाख में। कहाँ चली गई? आज कितने
इतने दिनों बाद तूने भीम को हाथ लगाया, और लग सकते बेटा, इस संसार में तो इतना बड़ा संस्कार कैसे? आपकी कृपा से बचपन इसी संसार में तो मेरे संत नहीं। चलिए गिन लिए, आपके लिए हमारे लिए तो इधर आप और उधर शाम, इनको तारे ही दिखा रहे हैं। हम सब समझते दिल लगी अरे उसे दूर न रखो वरना मैं बावरा हो गया। लोग ठीक कहते पंडित जी की तरह आपको भी आठवें सुर का पता है। लोग झूठ कहते हैं, मुझे आठवें सुर का पूरा पता है। आठवां तुम हो, तुम्हारे बगैर मेरे गीत अधूरे, तुम ही मेरा संगीत। तो भैया जी गहरी बातें ना कहके टूट जाऊंगी। तुम तो तैरना जानती हो गौरी, उतना तो मेरा काम। डूबने वाला कभी कभी तैरने वाले को भी ले डूबता। गौरी धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी ये
अकेले ना तुमसे ये नैया ना तुमसे ये नैया मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया तुम्हें बिन खेवैया चले आओ जी चले आओ जी चले लेकर सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के बंधन ये दिल के बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके हो मौज मिलके छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे तो छुपने न देंगे छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा मौज में जमुना का धारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा जो बाल्टी झंडी एक दिन के बाप का बदला लेने का तलवार ले अब स्थिति राह प्यार संगीत और सुनहरी गौरी ने सब कुछ किया बैजू में क्या है जो वाला छीना जा रहा है आखिर तू नाम भी बताएगा बंदर लेकिन
कुत्ता एकदम थोड़ा ही है जो बताऊं। माँ प्यार से कहती थी पल्लू और बाप गुस्से से कहता था घसीटू, और बादशाह सलामत ने तो कितने ही नाम रख दिए हैं उस्तादों के, उस्ताद तान तोड़ और तान चूड़, तारंगी बना या हजूर खान उर्फ उस्ताद घसीट। कंजू, अगर ऐसी बात है हम अपनी सारी दौलत उस्ताद घसीट खां के कदमों पे निछावर कर जा और उस्ताद घसीट खां को यहां घसीटता जा। जाने क्या मिल रही है अपना दिल। देखो हमें मत छेड़ो। हाँ, मत छेड़ो। चलो हम छेड़े हैं ये वो पुकारा है कब से। तुझे मेरी कसम खत हुई। अच्छा जी जाती तो उसे ही आप बुला ले। चलो Thank you.
यहाँ नहीं, जमुना के किनारे टीले पर कुछ खो गया है और ढूंढने यहाँ आए हैं। वही तो तुम जानती होगी क्या खो गया है। किसी बसंती ने छिपा रखा है, कुछ इनाम देंगे तो बताएंगे हम। वही चल मरी, सारी चमड़ी नोच डाली मेरी गौरी। गौरी गौरी से काम है। मैं ये पूछने आया था कि बाबा घर में नहीं। करना पड़ेगा। हार गया तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। अगर जीत गया तो तानसेन भी अपनी जान दे देंगे। अजीब कानून है। हुजूर उस्ताद, नाक के बच्चे जानता है सुर्खी बार क्या होती है। जूते से भी बुरी उस्ताद, क्या मैं नहीं जाऊंगा। बाजी तेरे सुर छूट गए, तेरी बकवास से मेरी हालात फरक गई। जाता मैं भी उस्ताद, मेरे मालिक गांव के रईस हैं और वो आपसे गाना सीखना चाहते हैं। अबे तेरा मालिक जाए फाड़, हम कोई बाजारी का भैया है। गाना सीखना है तो आगे बढ़ जाओ, आगे हो रही तानसेन की। अभी अजी तानसेन से अपना क्या वास्ता, हम तो उस्ताद तान तोड़ और तान जोड़ के पुजारी हैं। लड़का समझदार मालूम कसीट की तान को कौन नहीं जानता। वो मांगा इनाम मिलेगा हुजूर। अच्छा हम चले, दो घोड़ों का बंदोबस्त कर। हुजूर क्या घरवाली भी साथ तशरीफ ले चलेंगे। अरे बदतमीज़,
एक घोड़े पर हम सवार हैं, दूसरे घोड़े पर हमारी सारंगी जाएगी। इसी शान से हम हर जगह जाया करते। अगर ये शर्त मंजूर ना हो तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। वो रही तानसेन की कभी, हम कोई दरबारी सरकारी गवैये नहीं है, हम जानकारी गवैये हैं। छपताले हैं तो छपताले ही रहेंगे। अबे हम बेताले हैं तो बेताले ही रहेंगे। ब्याह की तैयारियां हो रही हैं। बस अब क्या है, राह देख रहा हूँ, इधर उस्ताद आए उधर ब्याह हुआ। उस्ताद के साथ उस्ताद के साथ नहीं, गौरी के साथ, संगीत सीखने के बाद। उस्ताद कब आएंगे? अगले बैसाख में। अगले बैसाख में तो मेरा ब्याह ही हो जाएगा। अरे ठीक तो है, जब तक ये नसीर खां के साथ राग अलापेंगे तब तक गौरी हर रात को टीले पर जाकर बैजू को नए नए राग रागनियां सिखाती रहेगी। क्या होता है, गौरी ने तो बैजू से मिलना ही छोड़ दिया। दिन में, रात में नहीं। कहां गया गौरी का बाप? ओ मोहन, मोहन, मोहन जी, क्यों? क्या है भैया? ये बात है? क्या बात है? बहुत शर्म की। कैसे? गौरी रोज रात को जाती है टीले पर बैजू से मिलने। डूब मरो। मैं तो डूब मरूंगा पीछे, पहले सर फोड़ दूंगा अपनी बेटी पर छूटी तोहमत लगाने वाले का, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अच्छी बात है, मैं पंचायत बुलाऊंगा, बस इसका फैसला अब पंचायत ही करेगी। गौरी, गौरी कहां मर गई? गौरी, पंडित जी, तुम्हें बैजू कहां है? बैजू यमुना के किनारे टीले पर होगा। बैजू शाम होते ही अपनी बीन के साथ टीले पे पहुंच जाता है और बहुत रात गए वापस लौटता है। ऐसा दिल लगा के रियाज कर रहा है पंडित जी। और भैया सच पूछो तो मुझसे ज्यादा तुम्हारी गौरी सबब है बैजू की कामयाबी का। अगर मैं शिक्षक हूं तो गौरी प्रेरणा है, रोज जा बैठती है उसके सामने, वो अपने सुरों में गौरी को उतारता जाता है और गौरी उसके सुरों को सातवें आसमान तक पहुंचा देती है। तो जो मैं सुन रहा हूं वो बिल्कुल बेशक सच है, मैं खुद वहां जाके देख आया हूं अनेकों बार। आप खुद? मगर पंडित जी गांव वालों का मुंह कौन बंद करेगा, पंचों को कौन जवाब देगा? गौरी का ब्याह जल्द ही कर देना पड़ेगा। नरपत गौरी का ब्याह हो चुका है बैजू से। बैजू संगीतकार है, गौरी संगीत है। बैजू गवैया है, गौरी गीत है। बैजू सुर है, गौरी वीणा है। और अगर गौरी सुर है तो बैजू अलाप है। इन दोनों का मिलाप उस कलाकार ने कर दिया है, निष्कलंक पवित्र प्रेम जिसकी कला है, इसे ही ब्याह समझ लो मन। इन दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। पंचायत कर सकती
अपना थक को वचन दे चुका हूँ पंडित जी। वचन तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़े, मगर दीपक से दीपक की ज्योत को अलग कर दोगे तो दीपक बुझ जाएगा, रोशनी चली जाएगी, अंधेरा छा जाएगा। जुर्माना भरूंगा पंडित जी, जुर्माना भरूंगा। और भाई जी गौरी की जीवन का अब इन दोनों को कोई अलग नहीं करता, कोई अलग नहीं करता। कहाँ चली इतनी रात गए? हाँ मैं आज पकड़ी गई। क्या खो गया है इस टीले पर? खो गई है तुम्हारी अकल। छूट छूट जाके बाबा से कह दिया कि गौरी रोज रात को बैजू से मिलने टीले पे जाया करती है। वो नंगी तलवार लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं गांव छोड़ के भागे जा रही हूँ। उन्हें सुनो तो। ठहरो गौरी, ठहरो। अरे मैं भी कितना बड़ा उल्लू गांव वालों के कहने में आ गया। चलो गौरी चलो, मैं तुम्हारे बाबा को समझा मना देता। अरे ना, तोड़ के धर देंगे, किसी तरफ आ रहे हैं शायद। गौरी गौरी मालिक का घर दूर नहीं सरकार। आग लगा दे उस घर को। क्यों? बस जमीन ना लायक ना मकबूल। तेरे मालिक को लाजिम था कि वो हमारी पेशवानी के लिए गांव के बाहर खड़ा रहता और दुख दुख का सलाम करता। हम किसी के घर जाकर सलाम करने वाले गवैये नहीं है, दरबारी सरकारी। हम जानकारी गवैये है। सरकार, मेरे मालिक ने सोचा होगा कि उस्ताद रात के वक्त पूरे ही आएंगे। अबे ना बाबू, अभी नहीं जानता अब इस वक्त कैसे आए और इस वक्त हर जगह जाते। ना 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 ना, जाने का नाम न लीजिए उस्ताद। अभी तो खैर से जवानी है, बस अभी चुटकियों में अपने मालिक को खबर दे देता हूँ। तब तक आप गधे को पानी और घोड़े को पानी पिलाइए और मैं अभी आया। अरे हाँ मेरे अरे गौरी गौरी तो अरे सुनो तो सही, तुम नाराज क्यों हो रहे? सुनो हाँ सुनो तो सही, अगर बाबा आएंगे तो कह देना कि मैं नरपत का गाना सुनने आई थी, मैं सब ठीक कर लूंगा। सुनो हाँ मैं गाना सुनाता हूँ। को क्या कहते हैं सरकारी कांगड़ा। हेलो काहे बनी बावरी छोरी, काहे बनी बावरी छोरी। कुमार ये कौन बदतमीज देख रहा है? कौन है बे? तौबा तौबा, अबे गधे गाना गधे तो नहीं गाया करते। रंजे रंजे तबूरे हाथ से संगीत का खून ना कर। अबे वो खुसट, ऐसा तंबूरा घुमा के मारूंगा कि सर फोड़ दूंगा। बैल कहेगा। अबे नालायक, क्या हम बैल है? तो क्या मैं गधा हूँ? बेशक बिल्कुल बेसरा बदतमीज गधा है। बदतमीज ना बाबूल बिलबिले, चला जाए यहाँ से वरना मैं उल्टा लटका दूंगा। बदतमीज चले आते हैं बिना बुलाए बीमारी की तरह। गौरी 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 बैजू, मामा ने हाँ कह दिया।
दी बैजू, बाबा ने हाँ कह दी बैजू, बाबा ने हाँ कह दी बैजू। हाजिर करो हमारे सरदार के सामने, वरना सारा गांव लूटकर आग लगा देंगे हम। अभी पिछले साल ही तो ले गए हो 2000 अशरफिया लूटकर, हर साल आएंगे लगान वसूल कर दे। लगान? अरे बाबा, लगान तो हम राजा मानसिंह को देते, भरा दो दो दिन का लगान कौन दे सकता। जो कुछ कहना है हमारे सरदार से कहो। जो वसूल करके ले जाए लगान उसी का होता है। 2000 अशरफिया पेश करो, वरना इस बंदूक की आवाज होते ही गोल लुटना शुरू हो जाएगा। हम पर दया करो, ये रकम कुछ कम कर दो। लूटने वाले सौदा नहीं किया करते, इतनी बड़ी रकम हम कहां से लाएं? जिसके आगे सब धन है बेकारो। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। इंसान बनो दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। इंसान बनो ओ, इस बाग में सूरज भी निकलता है लिए गम। फूलों की हंसी देख रो देती है शबनम। कुछ देर की खुशियां है तो कुछ देर का मातम। किस नींद में हो जागो जरा सोच लो अंजाम। इंसान बनो
देखो यहाँ शान अपनी दिखाते हुए आए, दम्भल के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, आता है कोई, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो। गाए हैं यहाँ जुल्म के ढेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, खुद पाप करो खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो इंसान बनो। कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो। दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम, इंसान बनो। वाह वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश। उस्तादों को शागिर्द मिले तो ऐसा मिले, संगीत में पूरा तैयार। क्या है ने आगरे से बुलाकर घसीट खाजे से उस्ताद की शागिर्दी कबूल की है? अब बात तो पूरी करने में दो। क्या कह रहा था मैं? हाँ, एक दो साल में उस्ताद देश के भी काम करने लगेगा। हमारे इरादों कामयाब, मैं अपनी कामयाबी उस वक्त समझूंगा तुम और तुम्हारे साथी तो जुल्म सितम का खेल खेले बगैर यहाँ से लौट जाए। हमें ये भी मन क्या शर्त हो? तुम्हें हमारे साथ चलना हो। ये तुम्हारे साथ चलना होगा? का सौदा नहीं है गायक, तुमने बहुत सस्ते में अपनी बस्ती को बर्बादी से बचा लिया। क्या सोच रहे हो? तुमने तो सब कुछ पा लिया, हम ही ने कुछ गंवाया है। बोलो, शर्त मंजूर है? मंजूर है बैजू। नहीं बैजू, नहीं नहीं बैजू, नहीं, मैं तुम्हें कभी न जाने दूंगी बैजू। बैजू शेर सिंह, नार सिंह, भैरव सिंह, गांव लूट लो, हम लोग ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकते। हेरो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते बैजू। मुझे जाना ही होगा गौरी। कभी नहीं, कभी नहीं गौरी। बैजू तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे बैजू। बाबा बाबा इसे समझाइए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। इसे जाने दो बेटा, बैजू इस सारे गांव को बचा रहा है। बाबा घबराओ नहीं बेटी, मुझे विश्वास है बैजू जरूर वापस आएगा। कहना सकी बाबा। बाबा आप भी हौसला रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा बैजू सुनो तो सही, बैजू बैजू गौरी मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। बैठो,
दो घड़ी बात कर सकोगे गाय? कौन हो तुम? मेरी आवाज को नहीं पहचान सके? मैं तुम्हारी आवाज पहचानने की जरूरत नहीं समझता। एक बार इस आवाज को पहचानने की कोशिश जरूर करो गाय। क्या चाहती हो? सिर्फ एक गीत जो दिल और जिंदगी के जोर-जोर से हिला दे। मेरे पास जिंदगी के तूफानों को रोकने वाले गीत हैं, तूफान उठाने वाले गीत। गायक, इसका फैसला हम पर छोड़ दो। ये हम जानते हैं तुम्हारे गीतों में कैसे कैसे तूफान छिपे हुए हैं। अगर मेरे गीतों में तूफान है तो पहले ऐसी चट्टाने पैदा कर लो जो उन तूफानों का मुकाबला कर सके। औरत के दिल से ज्यादा मजबूत चट्टान इस धरती पर कहीं दिखी है तुमने? औरत का दिल चट्टान होगा, लेकिन तुमको इससे क्या? तुम अगर औरत भी हो तो एक नकली औरत हो, एक डाकू, रहजन, विध्वंसनी। गायक, इन आंखों में क्या इस वक्त तुम यही देख रहे हो? बस्तियां और खजाने दिनों को नहीं लूट सकते। चमकीली आंख और काले इरादे लेकर यहां से चली जाओ। मेरे पास न तो तुम्हारे लिए कोई गीत है और न कोई खजाना जो पेश कर सकूं।
प्रेम का ऐसा अपमान मत करो राय। मैं डाकू नहीं, बस्तियां और खजाने लूटना मेरा पेशा नहीं। वो तुम्हारा गांव मेरे पिताजी की जागीर थी, राजा मानसिंह ने हमसे जबरदस्ती छीन ली, मेरे पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। मैं अनाथ हो गई, मेरा खून खौलने लगा, मैंने तलवार उठाई और उसी दिन से प्रतिज्ञा की कि अपने पिताजी का बदला लेकर रहूंगी। पिताजी, पिताजी, बैजू, अगर जमाना चाहते तो तौसीन से अपने बाप को बदला बदला जरूर लेना। बदला तुम्हें कौन सी बात कही इससे तुम्हें इतना दुख? बताओ, बता दो गायक, मुझसे कोई भूल की नहीं? क्या मुझे भी किसी से बदला ले जो मेरी जिंदगी का सबसे पहला फर्ज है? गौरी के पिता जो आज तुम्हें दिया, वही जिसके प्रेम को तुम्हारी मीठी मीठी बात, वो प्रेम बदले की आग में जल रहा है। गौरी से मेरे दिल ने प्रेम की, तुमसे मेरे बदले की भावना ने तलवार की धार पाई। तुम तलवार हो राजकुमारी, तुम इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं दे सकती। इस बहाने के ही तुम गौरी के पास तो नहीं जाना चाहते? अगर जिंदा रहा तो किसी दिन जरूर जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तो मैं गौरी के प्रेम को ही भुला देना चाहता हूँ। पिताजी के खून की आवाज मुझे पुकार रही है, मुझे जाने दो। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं, अपना फर्ज मैं खुद पूरा करूंगा। बैजू, बैजू। रोक लो गायक को, तू जा रहा है। मगर सर जाने दो, कलाकार बन Bye.
खराब है आप? और मेरी तलवार को तुम्हारे सर की दबू आप खुद क्या आप तलवार अगर मेरी गर्दन अलग होने से तो गर्दन उड़ा दी होती सांस को क्यों काट कर रख दिया आप? ये आपकी कौन सी जरूरत थी? अरे सांस की आवाज मेरे इरादों को मुझसे छीनने लग गई, मेरी तलवार को धोखा देने लग गई। संगीत सिर्फ तुम्हारी ही जागीर नहीं है दानसेन, मेरी जागीर नहीं मगर मेरी जिंदगी। नौजवान दानसेन के सांस के तार बार दानसेन अगर मार तो आत्मा से उठता हुआ दर्द हुजूर मियां कौन है ये सरफिरा? इसके लिए क्या हुक्म है हुजूर? गर्दन उड़ा दीजिए इसकी। इस घर में खून को सिर्फ दिल से टपकने की इजाजत मिल सकती है, वो भी इसलिए कि संगीत का तकाजा। तो फिर इसको क्या सजा दी जाए हुजूर? इनकी सजा यही है कि बरसों जिंदा रहे और बार बार दिल पर जिंदगी की चोट खाए, इन्हें अमन अमान के साथ हरे। नौजवान आपने ये ना बताया कि मेरे सर की जरूरत आपको क्यों महसूस? अब बताने से क्या, वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा और वो वक्त जरूर आएगा। गूंजते हुए पहाड़ों से, कलकल करते हुए झरनों से, या सूखे हुए रेगिस्तान से। लेकिन नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। हीरे को हीरा ही काट सकता है, हीरे को हीरा ही काट सकता है। वो हीरा जिसको हरिदास स्वामी ने चमकाया, हरिदास स्वामी, हरिदास स्वामी, वृंदावन। बाबा, लोग कहते हैं कि भगवान का रचा हुआ यह संसार संगीतमय है। मैंने परमात्मा की हर रचना से संगीत पाने की कोशिश की और अब आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना ज्ञान के मनुष्य की मनोकामना पूरी नहीं होती। तेरी क्या मनोकामना है बेटा?
संगीत का पूरा ज्ञान पाकर मुझे किसी से बदला लेना है। संगीत से बदला? हाँ बाबा। तुम भूल कर रहे हो बेटा, हृदय से हृदय का संबंध जुड़ता है, आत्मा को ऊंचा उठाता है, बैर को प्रेम में बदल देता है। संगीत किसी से बदला नहीं लेता। लेकिन मुझे बदला लेना है, अवश्य लेना है, और वो भी संगीत से। संगीत से जब तक तेरे मन में बदले की भावना है तू संगीत कभी नहीं सीख सकता। संगीत सीखने के लिए हृदय में प्रेम पैदा कर, दूसरों का दिल दुखाने के बदले अपने दिल में दर्द पैदा कर। यह दिल प्रेम और दर्द को भूल चुका है। अगर आप मुझे संगीत का पूरा ज्ञान नहीं देंगे तो मैं आपकी जोड़ी पर सर पटक कर मर जाऊंगा। बेटा, आग से आग ठंडी नहीं होती, पानी से होती है। अंधेरे से अंधेरा दूर नहीं होता, उजाले से होता है। बैर बैर से नहीं मिटता, प्रेम से मिटता है। मैं तुझे अपने प्रेम का प्रतीक देता हूं, ले ये वीणा बजाया कर। इसके तारों की झनकार से जब तेरी हृदय तंत्री झंझना उठे और मन को शांति मिले तब चले आना। अपने पास जो कुछ भी है सब सिखा दूंगा बेटा। राधे कृष्ण राधे। गुरुदेव, भगवान ओम के तीन सुरों पर सारी सृष्टि नाच रही है। यही आदि नाद है, सबसे पहली आवाज है। इन्हीं तीन सुरों से मनुष्य ने
सुनता हूं भगवान, ओम के तीन सुरों पर सारी सृष्टि नाच रही है। यही आदिनाद है, सबसे पहली आवाज है। इन्हीं तीन सुरों से मनुष्य ने सात सुर पाए। इन्हीं सात सुरों में डूब जाना चाहता हूं, मगर हृदय की आग सुर सागर को सुखाए देती है। संसार ने कुछ नहीं दिया, गुरु ने मुंह मोड़ दिया। अब तुम्हारी शरण में आया हूं। यहां सिर्फ तुम हो और मैं हूं। आज स्वरूप की साधना से तुम्हारा पत्थर का दिल हिला दूंगा या मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगा। मगर मरने के बाद भी मेरी मिट्टी यहां उस दिन का इंतजार करेगी जब तुम फिर इस मिट्टी से मेरी रचना करोगे। और उस दिन भी हे भगवान, मैं तुमसे यही कहूंगा, मुझे संगीत दो, संगीत दो, संगीत दो। कहाँ रहा वो मिलन? बैजू, बैजू तुम कहाँ? यहाँ इसी जगह पर तुमने प्रेम का मन संगीत बहाया था। यहीं पर तुमने वादे किए थे, कसमें खाई थी, क्या वो सब भूल गया? निराश न हो बेटा, मैं तुमसे दूर हूं मगर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। उठो बेटा, गाओ, यह है ललित। गौर बदन कुसुमाभरण प्रसन्न मुख मुस्काय कमल पत्र समनेत्र से ललिता ललित सुहाय। पियो पियो रे करत है पपीहा, अब कहो कैसे राखूं जिया। पियो पियो रे करत है पपीहा। यह है गौड़ मल्हार, गौड़ सारंग मल्हार दोनों मिल मिले छेड़े में तार। बोलत है पर खाती रिमझिम गाओ और मल्हार। रोम झूम बदरिया बरसे उन बिन मोरा जिया रादर से। रोम झूम बदरिया बरसे यह है पुरिया,
रत्न मुकुट सर छत्र और चामर मुख में पान, राजा रूप कल्याण की पुरिया जाती दान। अजब तोरी प्रभु आन बान देखी, बाग में बन में नील गगन में, देखत हूँ तोरी शान शान तोरी। यह बागेश्री विद्वानों की वाणी में बसकर विजय दिला, रक्त वर्ण वागीश्वरी मंद मंद नित गाय। हेरी हे मैं कैसे हर आऊं मितवा तुमरे डिगुआ, बाट चलत मोहे रोके ठाड़ो ठगवा। हेरी हे मैं कैसे पहुंचने या लोगों की मुंह बंद करूं, इस आंसू में मेरा धर्म बह जाएगा। पर तेरे प्रभु ना जाने क्या क्या करना चाहता है, वही है भूल गए सांवरिया।
समझाने में सबका फैसला था, लेकिन मैं इस फैसले इस बंधन को तोड़ कर रख सकती इसी जगह बैजू को ले गई थी। बताओ कहाँ है मेरा बैजू? क्या वो भी तुम्हारे साथ आया है? नहीं, वो तो कब का चला गया। कहाँ? कोई कहता है आगरा की तरफ चला गया, कोई कहता है वृंदावन में बैजू नाम एक बाप चला, कहता है श्रीदास बाबा के शागिर्द के चरणों में रहता है, वहां ढूंढने जा रही बैजू ने मेरी मोहब्बत को जलील कहकर ठुकरा दिया था। आज मैं उसका जवाब देने आई, मेरे प्रेम को झूठा समझकर हंसी उड़ाने आई हो? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई। मोहब्बत के बाग में से एक गाता हूं पक्षी उड़ा दिया था, अब उस बाग को भी चुने दो, पक्षी फिर लौट कर कभी नहीं आएगा। तुम्हें अपने बैजू के रहना होगा, मैं तुम्हें उसके पास ले जाने आई, चलो मेरे साथ। लेकिन तुम अपने बैजू के पास नहीं जाना चाहते? तो मेरे ऊपर भरोसा रखो, चुपचाप मेरे साथ चली आओ। आओ ये गुरुदेव के पैर जलने अच्छे करते, वे आपके दर्शनों के लिए तरस।
मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरि, दुख भंजन मोर साथ न जोड़ो, हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम, दर्शन भिक्षा दे दो, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आज दे दो आज, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरि ओम, 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 सीढ़ियों तक मगर आगे अंधकार है, रोशनी दिखाइए गुरुदेव। बेटा तेरे संग प्यासी आंखों को भगवान का दर्शन कराया है, तेरा नाम संगीत संसार में अमर हो बाबा। बेटा इतने वर्षों से अब रहा है आपके आशीर्वाद, मैं हीरे का मैंने पहल मगर उसमें छिपी हुई क्यों थी मान नहीं, ही आया तब तक थोड़ी प्रयास कर शुद्ध कर लो। बहुत अच्छा, बस अब समय आ गया है पिताजी, मैं आपका बदला लेकर ही बैठू। तुम्हारे सर से बदले का भूत नहीं उतरा बेटा, बदला बदला भगवान पर छोड़, ये उन्हीं का काम है, तुम ये सब कुछ भूल पूरे ध्यान से प्रयास करो। गौरी गौरी
का बदला लेकर ही बैजू। बैजू। कण में व्यापी फिर भी मेरा सती तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं होता। प्रेम के बिना संगीत में कोई असर नहीं होता। प्रेम ही से मनुष्य भगवान तक पहुंच जाता है और प्रेम प्रेम तुम्हारे चरणों में लौट रहा है। बैजू मुझे रास्ता दिखाओ। विधवा बनाना है। मैं जिससे बदला लेना चाहता हूं अगर उससे हार गया तो गर्दन उड़ा दी जाएगी मेरी। बदला किससे? तानसेन से। तानसेन से कैसे? संगीत में उसे नीचा दिखाकर तानसेन को हराने के बाद ही मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं। तानसेन जैसे महान संगीतकार को हराने की शक्ति क्या तुम में है बैजू? पिता को दिए हुए वचन को तोड़ने से मौत अच्छी है। अगर जिंदा रहा तो लौटकर सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम मुझे मरा हुआ समझो। नहीं नहीं बैजू नहीं, बड़ी मुश्किल से मिले थे तुम, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे साथ लौट चलो। क्या वो टीला, वो झूला, वो जमना सब भूल गए? वही उसी टीले पर तुमने अपने पिता को दिए हुए वचन भूल गया था। गौरी तुम जाओ गौरी। तुम्हें छोड़कर और कहां जाओ? मैंने अपनी जीवन नैया को आग लगा दी है, अब तुम ही मेरी जीवन नैया हो। मुझे अपनी नैया में बिठा लो बैजू, डूबना होगा तो साथ ही डूब जाओ। नहीं, तुम साथ रहोगी तो मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य भूल जाऊंगा। तुम्हारे ही कारण मेरी संगीत साधना में विघ्न पड़ रहा है। तुम और तुम्हारा प्रेम मेरी मौत का कारण बन जाएंगे। मैं तानसेन को कभी नहीं हरा सकूंगा। बैजू
गुरुदेव मैं बावरा हो जाऊंगा, मैं बावरा हो जाऊंगा गुरुदेव। इसीलिए मैं तुझे अंतिम उपदेश देने आया हूं। पैर की भावना निकाल कर तू अपने दिल में प्रेम पैदा कर। प्रेम के बिना तेरे दिल में दर्द नहीं, और दर्द के बिना तेरे संगीत में वो असर नहीं जो पत्थर को भी पिघला दे। और दर्द तेरे दिल में तभी पैदा होगा जब तेरे दिल को चोट पहुंचेगी। चोट, मैं मर गई होती तो अच्छा था। गौरी, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हो गया गौरी, ये क्या हो गया? मैंने अपने आप को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। ये तुमने क्यों किया? कोई फिक्र नहीं होगा, अब तुम तानसेन को हरा सकोगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। Thank you.
द्वारे? तुमसे नहीं बोले, संसार में किसी से नहीं बोले, सिर्फ मुझी से बोलेगी। गौरी, गौरी, क्या हुआ गौरी को? सांप, सांप, हटो यहां से, भागो भागो। मालूम होता है इसको सांप ने काटा है। सांप ने? जी हाँ, याद आया, इसे सांप ने काट लिया था। इसी नागन ने डस लिया था गौरी को, इसी डाकिन ने जुदा किया था हम दोनों को, अब फिर जुदा करने के लिए आई हो? नहीं बैजू, मैं ही गौरी को यहाँ लेकर आई थी। तुम गौरी को नहीं, गौरी की मिट्टी को यहाँ लाई थी। अब इस मिट्टी का मैं क्या करूँ? मैं तो गौरी को ढूंढने के लिए जाता हूँ। गौरी, गौरी, बैजू, पुश की बातें करो, कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, मैं भी गौरी के साथ ही मर चुका। नहीं बैजू। क्यों, अभी तुम्हारे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी? तो फूंक डालो इस मिट्टी को, इसकी राख अपने सर पर डालकर नाचो, नाचो, नाचो। दिल और दिमाग के झगड़े में दिमाग जाता रहा। बैजू पागल हो गया, बैजू बावरा हो गया। अब देर करना ठीक नहीं है, इसे जल्दी ले चलना चाहिए। लेकिन बैजू, उसे समझाने का वक्त नहीं, फिर आएंगे उसे ले ले। भगवान, 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 ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सा
अब टूट चुके हैं सहारे, ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा, भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए चाले ओ दुनिया के रखवाले। मालूम होता है क्या कानून नहीं मालूम यहाँ का? अरे की रोको इसे, गाय जाओ बरखुदार, गाय जाओ। महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले हो दुनिया के रख वाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले। जानता नहीं यहां गाना मना है? हम नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते, पर ना हम गा रहे हैं। ये तो हमारे अंदर कोई और गा रहा है जो हमारे बस में भी नहीं है। उसको रोक सकते हो तो रोक लो लेकिन नहीं, उसको गाने दो, उसकी दर्द भरी पुकार की हमें भी जरूरत है। दिल का सरमाया लुट जाने, रोने दो हमें भी, और साथ साथ जमीन आसमान दरो दीवार सब। वाह बैजू वाह, और भी गाओ, हवेली की तरफ मुंह करके गाओ। सच कहता हूं बरखुरदार, तुम्हारे गले में दर्द पहले से हजार गुना ज्यादा है। हाँ। क्या देखते हो हाथी सिंह, मेरा शागिर्द है, कोई मजाक नहीं है। हाँ। शागिर्द है आपका, और आपने इसे ये नहीं सिखाया कि यहाँ पे वही गा सकता है जो शाह मौसीखी मियां तानसेन से बेहतर गा सके, नहीं तो मौत की सजा मिलती है। तो आ जाए अखाड़े में जिसमें दम हो, दूध का पानी और पानी का दूध नजर आने लगेगा। हाँ ये बात है, गिरफ्तार कर लो इसे भी। मुझे क्यों पकड़ लो, जाएगा तो वो
बैज। रोरी ये बाबरा जवाब भी तो नहीं देता। कैसे जवाब? लोगों ने मेरा खाना बंद कर दिया। खाना बंद नहीं कर दिया, गाने को कहते हैं गाने को, समझे? तुम्हें गाना ही पड़ेगा शहंशाह अकबर के सामने। नहीं, अब मैं किसी के सामने नहीं गाऊंगा, सिर्फ गौरी को अपने हृदय के गीत सुनाऊं। गौरी गौरी मैं गौरी नहीं, खसीट खाऊं ये दाढ़ी देखी। क्या तुम जादूगर हो? है जादूगर? मुझे परवाना बना दो, मैं इस दीपक पर चलना चाहता हूं। या मेरे मौला, और खैर नहीं है ध्यान की। गौरी चली गई, गौरी चली गई। ये सूबी खड़ी की जा रही है, फांसी का तख्ता तैयार किया है। झूठी हो गौरी, उस बार मेरा इंतजार कर रही, उस पार ले चलो मुझे। उस पार नहीं, इस पार बैजू, इस पार। गौरी जिंदा है, गौरी को चिता पर ले जाने से पहले हम उसे सांप का जहर उतारने वाले एक जानकार के पास ले गए थे, और वो। तुम झूठ बोल रही हो, एक बहुत बेरहम झूठ, सिर्फ मुझे यहाँ से बाहर ले जाने के लिए। नहीं बैजू, मैं सच कह रही हूँ। वाले मंदिर में मैं तुम्हें खबर देने गई थी, लेकिन तुम नहीं मिले। मुझे है कि गौरी जिंदा है, लेकिन फिर भी यही कह रही है कि मैं बैजू के लिए मर चुकी हूँ। और बैजू को हरगिज हरगिज ये नहीं कहना कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मेरा बलिदान अकारण जाएगा। तानसेन को हराना चाहते हैं और मैं उनकी संगीत साधना में विघ्न हूँ। उसने यही कहा था, गौरी जिंदा है, गौरी जिंदा है। वो अपने गांव चली गई है। और तुम मुझे रिहा कराने के लिए आई हो ताकि मैं उससे मिल सकूं? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन दिल की यही मांग है, उस दिल की जिसे तुमने बेकार और बेजान समझ रखा था। शायद कोई आ रहा है, चलो बेचो रिहा करो। सरदार है डाकुओं की, पकड़ो इसे। ताला। रूपमती, रूपमती। बहुत अरसे से तलाश थी, अब पकड़ी गई। आप कहां चले उस्ताद? बस आपके साथ घर। आप
पिछला से। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, सॉरी जिंदा है, मुझे जाने दो। बैजू बैजू बैजू, जाने कहाँ से आया था इस काम में, मेरी बेटी को बदनाम करके सारी इज्जत खाक में मिला गया, और अब जब शादी का वक्त आया तो मुंह छिपाता फिरता है, नालायक कमीना बदमाश। खोल के रात नहीं आती तुझे, ये सारी मुसीबत तेरी ही तो लाई हुई है। मैं पूछा न गठा, जिधर मन में आया मुंह उठाकर चल दी, वो तो मैंने बहाने बनाकर बात दबा दी, नहीं तो कहने वाले यही तो कहते कि पंचों का फैसला सुनकर मोहन ने बेटी को गांव से भगा दिया। इस बुढ़ापे में मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया तूने। इसी ख्याल से तो वापस आई हूँ। इससे तो मर जाती तो अच्छा था। क्या करूँ बाबा, मौत भी मुझसे रूठ गई, अब आप ही अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोंट दीजिए। तेरा गला घोंटने के बदले मैं अपना ही गला घोंट लूंगा अगर तूने नरपा से शादी नहीं की। लेकिन लेकिन क्या, अब भी उस पागल के धोखे में रहना चाहती है? कहीं पता चला ये तो उसे ढूंढने निकली थी, मिला कहीं? तो फिर अब उसका ख्याल छोड़ दे, इसी पूर्णिमा को शादी का मुहूर्त पक्का हो चुका है। मेरे सामने अब दो ही रास्ते, नरपत के साथ शादी या अपने बाप की मौत, ये मेरा आखिरी फैसला है। दरवाजा खोल दो। अरे तकदीर का दरवाजा बार बार थोड़े ही खुलता है, जब वो रिहा कराने आई थी तो जनाब ध्यान लगाए बैठे थे, पर खुर्दार अब तो गौरी से तभी मिल सकोगे जब तानसेन को हराने के लिए गाओगे। मुझे गाना ही होगा, भगवान मेरे गले में ऐसे सुर भर दो कि मैं पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा कर सकूं और अपनी गौरी को पा सकूं। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा। लंगर का कर जागरण मारो लंगर, हमारी नजर में यह मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। तानसेन, मां बदौलत ने मुलाहजा किया कि तुमने डोरी गाकर हिरन को बुला ली। नौजवान गायक, तुमने भी ऐसा ही किया, लेकिन तुमने अभी तक संगीत का कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखाया जो तुम्हें तानसेन से बेहतर फनकार साबित करे। गुलाम अगर जान की अमान पाए करो। आलम पना, मेरा शागिर देखने में बावरा है मगर इसके गले में वो दर्द है जो पत्थर को भी पिघला कर पानी बना सकता है। गुलाम की वजह कि मेरा शागिर और मियां तानसेन एक ही रात को साथ साथ गाएं और फिर देखा जाए कि किसकी तानों में वो गर्मी है जो पत्थर के सीने को पिघला दे। माँ बदौलत को ये तजवीज पसंद आई और हमें यकीन है कि तानसेन को भी इससे इत्तेफाक हो। बैजनाथ, अगर इस मुकाबले में तुम्हें शिकस्त हो, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूं आलम पना, मौत।
क्या तो मांगा इनाम का दान मौत की सजा मेरे ख्याल कानून किसी के खिलाफ रियायत के कष्ट में पानी पड़ते मरमत का टुकड़ा रख दिया गया मां बदौलत का इश्तियाक बढ़ता जा रहा है आज साबित कर दो संगीत के असल से पत्थर का पानी बन जाना महज नई बात बल्कि जागती हकीकत मुकाबला शुरू किया जाए
जल में आग लगा दे आज गावत मन में रो रोंगे आज गावत मन 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 बेनज़ीर लाजवाब तानसेन माँ बदौलत को शक है कि तार टूटा नहीं तोड़ दिया गया है तानपुरा फिर सजला आलमपना सास को इल्जाम देकर मैं अपनी शिकस्त छिपा नहीं आज संगीत का सहारा होता है संगीत का सरचश्मा नहीं बैजनाथ मां बदौलत तुम्हारी फतह को तस्लीम करते हैं तानसेन अकबर को तुम्हारी शिकस्त का सख्त अफसोस है आलमपनाह तानसेन की शिकस्त में संगीत की जीत छिपी हुई आज दिल्ले इलाही को तानसेन को सारे हिंदुस्तान को खुश होना चाहिए कि मुस्सीकी के खजाने में आज एक ऐसे बेशकीमत हीरे का इजाफा हुआ है जिसकी जगमगाहट से संगीत की राहें हमेशा चमकती रहे वाकई इस हीरे की आबोताब ने आज दरबार अकबरी को जगमगा दिया मां बदौलत तुम्हारे कमाल से बहुत खुश हुए गायक कुछ तलब करो हमसे अगर जहां पना इजाजत दें तो मैं सिर्फ तीन चीजें मांगता हूं इजाजत है एक तो कानून की पाबंदी से संगीत की आजादी दूसरे रूपमती की रिहाई और उसकी जागीर की वापसी और तीसरे संगीत की जिंदगी संगीत की जिंदगी हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे संगीत की जिंदगी है तानसेन आलमपना तानसेन को जिंदगी देकर संगीत को मौत से बचा लीजिए तुम्हारे सीने में फनकार का नर्म दिल है बैजनाथ लेकिन कानून की गिरफ्त बहुत सख्त होती है कानून अकबरी की बुनियादें रहमो करम पर रखी गई हैं आलीजा मैं उसी रहमो करम का वास्ता दिलाता हूं हम तुम्हारी अजमत के कायल होते जा रहे हैं नौजवान गायक वो चिराग जिसने मुझे संगीत की रोशनी दिखाकर नई जिंदगी बख्शी जिसकी ज्योति से लाखों चिराग जल उठे उसे मैं किन आंखों से घुसता हुआ देख सकता हूं आलमपना तुम सही मानों में कलाकार हो बैजनाथ मां बदौलत तुम्हारी आली जरफी की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते तुम्हारे लासानी कमाल और बुलंद ख्यालात ने
आज शहंशाह को मजबूर कर दिया कि वो इंसानियत की भलाई को कानून की सियासत पर छा जाने दे। तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर की जाती है। साक्षात् कल्याण प्रतिदा विनायक प्रिया निस्वस्ती प्रबंधन बैजू, तुम आ गए बैजू। हाँ हाँ काका मैं आ गया। अच्छे समय पे आए बेटा, आज गौरी की शादी भी है। गौरी की शादी? गौरी की शादी? हाँ बेटा। काका मुझे जल्दी उस पार पहुँचा दो। आज मैं भी नहीं पहुँच सका बेटा, जमुना में बाढ़ आई हुई, कश्ती कैसे डाल सकता, डूब जाएगी। मेरे अरमानों की कश्ती डूब रही है काका, मुझे क्या नहीं होगा, मुझे क्या नहीं होगा। बैजू पंडित जी, बैजू आ गया। बैजू? मेरा बैजू आ गया, मेरा बैजू आ गया। जाइए कन्या को ले आइए। घोरी, घोरी, घोरी। और मैं कश्ती मत डालो बैजू। आखिर भगा दिया घोरी को, कहाँ गई घोरी? बदतमीज, तेरी तो इज्जत नहीं है लेकिन हम तो इज्जतदार है। बता नालायक, तू है तुझ पर। गंगा की मौज में
जमुना का धारा तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के, बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, डुबो देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे।